हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में 69,000 शिक्षक भर्ती वेतन पर चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैक्सिमम, क्योंकि कमेंट आप लोगों के लगातार आते हैं और एक एक करके कमेंट में एक ही टॉपिक के ऊपर जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस वजह से आपकी मदद करने के लिए हमेशा मैं उत्सुक रहता हूँ और इसी वजह से ये वीडियो बन रही है। ये मोस्ट फोकस होकर 2003 के पहले जिन भी मित्रों का हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, बीएड है, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके सत्यापन को लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह बना हुआ था और उनके संबंध में इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अधिकतर जगह पर जहां पर आपने एनपीएस का फॉर्म भर दिया है, सबको प्रैन नंबर अलॉट हो रहा है। जी हाँ, आपका प्रैन नंबर जिस बेसिस पर आपका कह सकते हैं कि जो अमाउंट आपके सैलरी से डिडक्ट होगा पर मंथ, है ना, वो आपके पेंशन के लिए एनपीएस खाते में जो सबमिट होगा, तो वो एक पार्टिकुलर आपका नंबर होता है, प्रैन नंबर। वो प्रैन नंबर कितना इम्पोर्टेंट है और वो प्रैन नंबर आपके एनपीएस फॉर्म सबमिट होते ही वो अलॉट हो रहा है सबको, और उसके बाद फिर वेतन निर्गत की कार्रवाई की जाएगी, तो इस पर बातचीत करेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, शिक्षा मंत्री के भाई जिनको लेकर लगातार विवाद उठा हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति उनकी हुई थी, सिद्धार्थ महाविद्यालय जो था, विश्वविद्यालय कहता हूँ, वहाँ पर उनकी नियुक्ति को लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह था और काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उठाया गया था मीडिया में और आपके हर जगह पर उस पर प्रश्न चिन्ह था। उसको लेकर आज न्यूज़ आ रही है कि उनके भाई ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, उस पर भी बातचीत करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 2003 से पहले जिनका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड है, उनके लिए इम्पोर्टेंट बात है। ये राज बहादुर सिंह चंदेल जी हैं जो सभापति हैं, प्रश्न एवं संदर्भ समिति नेता, निर्दलीय समूह है ये, और विधान परिषद अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को इन्होंने लिखा हुआ है ये बात। और इन्होंने लिखा है कि जिसमें आपके द्वारा परिच्छेदीय प्राथमिक विद्यालय 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत नियुक्त अध्यापकों के वेतन भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। और इन्होंने स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, आप अगर आप देखेंगे कि आपके उपरोक्त आदेश के बिंदु 2 में इन नवनियुक्त शिक्षकों के स्नातक एवं बीएड के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कोविड-19 महामारी संक्रमण के फलस्वरूप विश्वविद्यालय बंद होने के कारण उन्हें निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र करने के बाद वेतन आहरित किए जाने का निर्देश समस्त बीएसएस ने प्रदान किए थे, किंतु 2003 से पूर्व हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, उत्तीर्ण नवनियुक्त शिक्षकों के उच्च शैक्षिक अभिलेखों का डाटा ऑनलाइन न होने के कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद में सत्यापन हेतु लंबित है। 7 महीने बीत जाने के बाद भी इस महामारी के दौरान उच्च सत्यापन न हो पाने के कारण जितने भी बीएसएस हैं उनके द्वारा इन शिक्षकों को वेतन भुगतान शुरू नहीं किया जा सका है। अब इन्होंने पर्टिकुलर एक फोकस कर दिया उन्नाव जनपद को लेकर, तो लेकिन इन्होंने बोला भी है कि उन्नाव जनपद सहित प्रदेश के अन्य जनपदों में सन 2003 से पूर्व हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो उत्तीर्ण 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नवनियुक्त अध्यापक हैं को महीनों से माध्यमिक शिक्षा परिषद या अन्य बोर्ड द्वारा सत्यापन न होने के कारण बहुत ही घोर आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। तो इस वजह से मेरा विशेष आग्रह है कि 2003 से पूर्व हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण नवनियुक्त परिषदीय शिक्षकों को भी निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र लेकर वेतन निर्गत करने संबंधी आदेश सभी बीएसएस को प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे कि वेतन से वंचित इन शिक्षकों को राहत मिल सके। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है और एक अच्छी पहल है। आप लोगों के द्वारा लगातार ये मांग उठाई गई है, शिक्षक संघ ने बात पहुंचाई है, हम लोगों ने लगातार इस बात को उठाया है, तो उसका कहीं ना कहीं एक फल यही है कि लगातार बात उठने पर यहाँ पर भी आपके एफिडेविट के जरिए, शपथ पत्र के जरिए ही वेतन आहरण, वेतन निर्गत करने का काम आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात, एक अच्छी पहल। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात प्रैन नंबर की अगर मैं कहूँ, क्योंकि लगातार आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और आप लोग लगातार बता रहे हैं कि सर जो आपने एनपीएस का फॉर्म सबमिट किया हुआ है उसके प्रैन नंबर जो हैं एलोकेट हो रहे हैं, अलॉट हो रहे हैं, है ना, और कहीं ना कहीं आपको मैसेज आएगा आपका दिए हुए मोबाइल नंबर पर या फिर आपके ईमेल आएगी, ये दोनों चीज़ आप चेक करते रहिएगा। अगर आपने सबमिट कर दिया हुआ है अपना एनपीएस का फॉर्म, तो ये प्रैन नंबर अलॉट होते ही फिर आपका जो वेतन निर्गत आहरण का कार्य है वो लगातार आप काम होगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट अपडेट थी आप लोगों के 69,000 नवनियुक्त अध्यापकों के लिए।
अब इम्पोर्टेंट बात शिक्षा विभाग से जुड़ी कर लेते हैं कि यूपी में शिक्षा मंत्री के भाई ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये मामला था ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेशन यानी गरीब कोटे से उनकी नियुक्ति पर लगातार सवाल उठा था और प्रक्रिया नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल लगातार उठ रहा था कि किस प्रकार से गरीब कोटे पर उनको नियुक्ति दी गई है और उसी संबंध में ये अभी तत्काल प्रभाव की अपडेट है कि वो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और इन्होंने अलग से भी अपनी तरफ से प्रेस नोट रिलीज़ किया है और इन्होंने जो डॉक्टर अरुण कुमार हैं जिनके पद की इस्तीफा को लेकर लगातार बात उठाई जा रही थी तो इन्होंने अपने त्यागपत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेरा नियुक्ति 21 मई 2021 को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में मेरी योग्यता पीएचडी एमए मनोविज्ञान गोल्ड मेडलिस्ट हैं डीआईपीआर डीआईडीओ से जेआरएफ हैं और एसआरएफ भी हैं ये और इन्होंने 17 पब्लिकेशन पुस्तकों का संपादन भी किया है के आधार पर इनकी निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्ति भी हुई थी परंतु दुर्भाग्य से मेरे कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद इस नियुक्ति को लेकर इनके बड़े भाई सतीश द्विवेदी जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के उनसे जोड़ा जाने लगा मीडिया पर सोशल मीडिया पर तो इसको लेकर इन्होंने ये त्यागपत्र दिया है और ये इसकी जिम्मेदारी लेते भी हैं। अब जो जो प्रश्न चिन्ह उठाया गया था उसको लेकर लगातार तमाम ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अगर ये गलत है तो उस हिसाब से इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है, अगर सही है तो इसकी जांच के लिए तो लगातार सब लोग लगे ही हुए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरा एक ही बात कहना है कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत उस योग्य अभ्यर्थी को वो पद मिलना चाहिए जो इसका हकदार है, जो उस गरीब कोटे के अंतर्गत आता है, जिसको अपने गरीबी को मिटाने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपनी गरीबी मिटाने का अधिकार है लेकिन वो उस मापदंड उस योग्यता के अंतर्गत आता है तो उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम जो है वो सरकारों को जो आरक्षण प्रावधान है उसमें हर उस शोषित व्यक्ति को उस गरीब तबके के व्यक्ति को उस पिछड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसके लिए बना हुआ है, न कि जो लोग पहले से ही उस लेवल पर हैं वो उसका लाभ लेकर फिर आगे पहुंच जाएं। तो ऐसा ना होना चाहिए और ये कहने के एक अच्छा कदम है, एक सराहनीय कदम है अगर यहाँ पर कोई भी प्रश्न चिन्ह उठा है तो।